आज हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ थिंग्स। एंड इन केस ऑफ मैथमेटिक्स, अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं, सो यूजुअली सेट ऑफ नंबर्स। सपोज हमारे पास एक दो तीन चार पाँच छ अप टू सो ऑन। सो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो वो सेट ऑफ नंबर्स हैं विद सम काइंड ऑफ पैटर्न। क्योंकि अगर हम इसको ध्यान देंगे, हमने पॉजिटिव नेचुरल नंबर लिए हैं, सो एक दो तीन चार पाँच एंड वी हैव सिक्स। एक दो तीन चार पाँच ये सेट ऑफ नंबर्स हैं और हम इसको बोल सकते हैं इनफाइनाइट सेट ऑफ नंबर्स। और जैसे फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन। Infinite set of numbers. और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, स्टार्ट जैसे लेक्चर करा था कि सीक्वेंस जो है सेट ऑफ थिंग्स और यूजुअली सेट ऑफ नंबर है विद सर्टेन ऑर्डर। तो दो टाइप की सीक्वेंस हो सकती है हमारे पास, इनफाइनाइट ओके और फाइनाइट। अगर हम देखेंगे इफ सीक्वेंस goes forever, then known as infinite. If sequence terminates after few terms, then it is known as finite. Infinite sequence का हमें example discuss किया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एट अप टू सो ऑन सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। नंबर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनफिनाइट सीक्वेंस। एंड लेट अस से 4, 3, 2, 1 दिस इज
सेट ऑफ फोर नंबर, एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट सीक्वेंस। Suppose we have sequence two, three, four, five, so on. So in this case, two is first term. Three is second term, four is third term, and five is fourth term. And it keep going. This is an example of basically infinite set of number, infinite sequence. So we have equation, let us say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, up to so on. First term known as first term, second term, third term, fourth term, goes like this, and we have nth term somewhere here. Nth term, let us denote nth term by an or TN. क्योंकि अगर हम इस पैटर्न को फाइंड कर लें, ये जो पैटर्न है हमारी सीक्वेंस में, तो हम एन टर्म इजिली फाइंड कर सकते हैं इन गिवन सीक्वेंस।